सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ एक ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर राइस्टार भाई ज्ञान गेमिंग से मिलने हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, जिसकी वजह से अभी के टाइम पर राइस्टार भाई को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। बट भाई को हेट क्यों मिल रहा है? ओके गाइस, अभी मैं आपको बता देता हूं। कल अनग्रेजुएट गेमर यानी कि आयुष भाई ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, तो गाइस वहां पर उन्होंने एक चीज के बारे में बात किया था तोड़ने भाई के साथ। तो गाइस सबसे पहले आप लोग उस वीडियो क्लिप को देखो, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो गाइस, अभी मैं और तोंडे दाई जस्ट ज्ञान भाई से मिल के आए हैं और मैं बता रहा हूँ गाइस कि फ्री फायर कम्युनिटी सच में अच्छी नहीं है यार। मतलब आज मतलब उनका ऐसा मन था कि कुछ यूट्यूबर बहुत करीब होते हैं, आपको ही पता होगा उनके बहुत करीब है लोग, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये तोंडे ये मिलने नहीं आया या आयु से मिलने नहीं आया। मतलब उनको लग रहा था कि ये मतलब मुझसे मिलने आए, ठीक है, लेकिन सबने बहाने बनाए गाइस, सबने बहाने बनाए। मतलब मिलने में ऐसा कुछ वो नहीं है तोंडे दाई, मतलब समझ रहे आप, किसी भी मन मिलने का मन हो मतलब कभी भी कोई भी टाइम मिला के मतलब आ सकते हैं यार। एक दिन की बात तो होती है, फ्लाइट आ जाता है ये, मतलब आके मिल के भी फ्लाइट में फिर से वापस जा सकते हैं। मतलब ये कुछ वैसी बात नहीं यार, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती। मतलब मेरे को सही बताना, जो भी भाई लोग देख रहे यूट्यूबर भाई लोग या जो भी ज्ञान भाई से जुड़े हुए आप लोग, कोई तो स्टार्टिंग से ही है, शुरू से खेलते हैं भी आए हैं। वो बंदे ने मतलब 50% कम्युनिटी 70% कम्युनिटी खड़ी करी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की हेल्प की है, नहीं थोड़े दाई? अरे अभी क्या सीन है उनके साथ वाले, जो वो जिनको अभी भी साथ है, कोई रील डाल रहा रेगुलर, कोई मस्त वीडियो डाल रहा, लेकिन एक दिन निकाल के मिलने नहीं आ सकते वो। मतलब डॉक्टर ने भी एक टाइम मरने की हालत में थे भाई, वो आईसीयू में बोल भी दिया था ना हम लोगों को कि फैमिली मेंबर जो भी हैं बुला लो। डॉक्टर ने ये तक बोल दिया था जो लोग हैं बुला लो, तभी तो हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। वो तो खुद का हिम्मत, उनके हिम्मत से वो बचे। लेकिन गाइस मतलब कम्युनिटी वाले लोग मिल लेते या झूठ ना बोले, बहाने ना बनाए, जो उनके साथ जो उनको अपना मानते मिल लेते, उनको कितनी खुशी होती है। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था गाइस कि ये बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं, बंदा बहुत स्ट्रांग है, और ऐसे इनके सामने खुश रहो, नए नए लोग मिलने आए, जो जिनको ये पसंद करते उनसे मिलाओ। लेकिन एक बंदा आए, कुछ भाई लोग आए, आई भी भाई आए थे, कुछ लोग आए, हमारे डेंट भाई आए, थैंक यू डेंट भाई। मतलब किसी को कुछ वो नहीं है, लेकिन यार एक होता है ना यार, बंदा डेथ बेड पे पड़ा है, लेकिन एक दिन की तो बात है दोस्तों मतलब गरेना ने जिसको सब गाली देते, उन्होंने इस पूरे एक्सीडेंट के बाद पूरे हर चीज पर नजर रखी, अपने मॉडरेटर भेज दिए, पूरा फ्लाइट करके कितने दिनों तक रुके वो, आज गए, ख्याल रखे ज्ञान भाई, कल जाएंगे, गए नहीं अभी भी वो, ज्ञान भाई का ख्याल रख रहे हैं, ज्ञान भाई के हाथ पकड़ के उन्होंने पोटी कराई, पांच दिन तक पोटी नहीं हुई थी ज्ञान भाई, पोटी नहीं हो रही थी तो वो पेट फूलता जा रहा था, उन्होंने हाथ पकड़ के करवाई, ज्ञान भाई इतने खुश थे। और दोस्तों तुमको और क्या रीजन चाहिए इससे ज्यादा, एक दिन मिलने की बात है उस बंदे को, कितना ज्यादा खुशी मिलेगी। पहले क्या हुआ था भाई लोग, हम लोग जब ज्ञान भाई को मिलने गए थे तो पूरा खुश थे, एकदम खुश, हाथ वाथ मिला रहे थे हमसे, मतलब मजाक मस्ती कर रहे थे, फिर वो क्या बोलते हैं रील बना रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे खुद ही, मतलब वो मुझे डालना आयुष, वो जाने नहीं देंगे 3 डेट्स का भाई, मतलब एकदम होता है ना, बंदा लग ही नहीं रहा था कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, खुश एकदम, फिर मतलब एनर्जी में थे एकदम। हाँ तो ज्ञान भाई फिर इसके अलावा भी किसी भी नए कोई बंदे को मिलते हैं, उनके लिए कोई आता है तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लाइक मेरे लिए आया यार, फिक्र करता है मेरा, कोई है लाइक, कोई है एक्चुअल में, ऐसा होता है। तो और भी भाई लोग होते हैं, हम लोग कॉल में होता ना, कॉल आता है तो ऐसा बात करा देते हैं, फिर ज्ञान भाई बोलते हैं कि अरे आजा तुम, आ जाओ मेरे लिए मिलने आ जाओ, बोलते तो फिर कुछ ना कुछ बोलते थे, ये है वो है, नहीं लाइक ना आओ फिर भी मन रख दो ना उस बंदे का कि हाँ आ जाएंगे ज्ञान भाई यार, आ जाएंगे। उसके बाद में ज्ञान भाई पूरा सैड, हमसे बात भी नहीं किए, मतलब दो चार बंदों से बात किया ज्ञान भाई ने, सभी को बोले कि आ जाओ, बट एक ने भी ऐसा नहीं बोला कि भाई। इसके बाद आप लोग जाकर राइस्टार भाई को बहुत ज्यादा हेट दे रहे हैं। गाइस राय भाई और ज्ञान भाई इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है। भाई ये भी हो सकता है कि अभी राइस्टार भाई का फेस रिवील नहीं हुआ इसलिए नहीं गया हो, गाइस कुछ भी हो सकता है, इसलिए गाइस आप लोग ऐसे जाकर किसी को भी हेट मत दो यार। और गाइस जहां तक मेरा मानना है कि आयुष भाई ने भी राय भाई को नहीं बोला होगा, और भी उनके कई सारे क्लोज फ्रेंड है। ओके गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो चलिए गाइस आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।